हमीरपुर में दिनों दिन बढ़ रहे दोपहिया वाहन चालकों के हादसों को देखते हुए हमीरपुर पुलिस ने अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए दो हेलमेट लगाने के फरमान जारी किए हैं, जिसके चलते दोपहिया वाहन में दोनों सवारियों को अब हेलमेट पहनना होगा। हालांकि दो दिन पहले से जारी किए गए फरमान के तहत अभी तक हमीरपुर जिला में दोपहिया वाहन चालकों में दो हेलमेट पहनने का कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। पुलिस के द्वारा जारी किए गए फरमान के चलते सभी ट्रैफिक कर्मी दोपहिया वाहन चालकों को दो दो हेलमेट लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने पहले जुलाई तक दो हेलमेट न होने पर चालान नहीं करने के बजाय जागरूक करने का अभियान चलाया है, लेकिन इसके बाद पुलिस सख्ती पेश करते हुए वाहन चालकों के चालान काटेगी। स्थानीय लोगों ने भी दोपहिया वाहनों में दो दो हेलमेट पहनने का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि हालांकि ये फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन कई बार लिफ्ट मांगने पर दोपहिया वाहन चालक को परेशानी हो सकेगी। हमीरपुर व मंडी की संस्कृति का संगम स्थल के नाम से व्याख्यात ऐतिहासिक टौणी देवी मेले का आयोजन सोमवार को किया गया। हल्की बारिश की फुहारों के बीच आयोजित इस मेले में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। मान्यता है कि टौणी देवी माता कानों से बहरी है, इसलिए मंदिर में रखे दो पत्थरों को टकराकर आवाज पैदा की जाती है, जिससे माता का आह्वान किया जाता है। अब इन पत्थरों को साइड में रख दिया गया है। आधुनिक पीढ़ी पीतल की घंटियां बजाकर माता का आह्वान करती हुई नजर आती हैं। टौणी देवी मेले में इस बार राजस्थान से आए ऊंट की सवारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं जलेबी, पकौड़े व आलू छोले की दुकानों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 350 साल पुराने मंदिर में ढोल ढमकों के बीच भक्तों ने पंक्ति में खड़े होकर माता के दर्शन किए। मंदिर कमेटी टौणी देवी द्वारा मंदिर तथा मेले में आए लोगों के लिए व्यापक प्रबंध किए हुए थे। लोगों ने मंदिर में लगातार चल रहे भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। ग्राम पंचायत बारी के उप प्रधान राजीव चौहान ने बताया कि प्रशासन ने मेले में बिजली, पानी, ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था का पूरा प्रबंध किया हुआ था। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सभी इंतजाम पूरे किए हुए थे। मंदिर कमेटी के प्रधान धर्म सिंह ने बताया कि टौणी देवी मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह था। उन्होंने कहा कि कमेटी पुरातन संस्कृति के अनुसार ही मेले का आयोजन करती है तथा बाहर से आने वाले लोगों के रहने व खाने की पूरी व्यवस्था भी करती है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर सोमवार को देखना शुरू हो चुका था। हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन तथा चंबा क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा देखने को मिला। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून हिमाचल में दस्तक दे सकता है। इस बार पिछले साल के मुकाबले एक सप्ताह देरी से हिमाचल में मॉनसून पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्य पर्वतीय क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाएं चलने के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना 37% बारिश दर्ज की गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 45% कम आंकी गई है। वहीं मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले 2 माह में हिमाचल में अच्छे मानसून के चलते अच्छी बारिश होने के संकेत भी हैं, जो कि बीते दिनों में हुई बारिश को पूरा कर देंगे।
सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित 3 दिवसीय शूलनी मेले का बेहतरीन समापन हो गया। समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्लेबैक सिंगर पूर्ण शिवा ने बेहतरीन गाने प्रस्तुत किए। वहीं पंजाबी सूफी गायक सतेंद्र सरताज ने एक के बाद एक सूफी गाने प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया और सभी दर्शक नाचने पर मजबूर भी हो गए। अंतिम सांस्कृतिक संध्या का हजारों दर्शकों ने रात 12 बजे तक खूब आनंद उठाया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि इस बार शूलनी मेले का बिना किसी विवाद के समापन हुआ है और किसी भी तरह की अव्यवस्था मेले में देखने को नहीं मिली। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा गायक देखा है जो खुद मंच पर बैठा रहा लेकिन सभी दर्शक नाचते रहे। उन्होंने कहा कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में मेले में काफी विस्तार हुआ है लेकिन कोई भी विघ्न इस मेले में नहीं पड़ा, जिसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं।